Topic number two will be pressure in liquids plus Pascal laws and its applications. Now, next is pressure in liquids. Liquids will exert pressure. The pressure of the liquid exerts in our direction. If we take a pressure sensor device that measures pressure inside a liquid, we will find pressure of the liquid varies with the depth of the sensor. You can say that everything, every liquid that is kept in a container, it will exert pressure. जो प्रेशर वो एक्सर्ट करेगा वो सिर्फ एक डायरेक्शन में एक्सर्ट नहीं करेगा बल्कि जिस कंटेनर के अंदर वो मौजूद है उसकी आल डायरेक्शन में वो प्रेशर को एक्सर्ट करेगा अगर आप उस प्रेशर को मेजर करना चाह रहे हैं कि आपके पास लिक्विड के किस पार्ट पे या किस हिस्से पे आपके पास प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट हो रहा है कम एक्सर्ट हो रहा है या इक्वल एक्सर्ट हो रहा है सो इन ऑर्डर टू फाइंड डेट वी विल यूज अ प्रेशर सेंसर प्रेशर सेंसर यू कैन से डिवाइस दैट इज यूज टू मेयर द प्रेशर इन साइड द लिक्विड आप इजीली मैयर कर सकते हैं प्रेशर सेंसर से लिक्विड जैसे जैसे आप उसकी डेप्थ में मूव फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आपके पास ये कंटेनर इसके अंदर लिक्विड मौजूद है अगर आपने इस पार्ट का जो है वो फाइंड um, आउट करना है प्रेशर तो आप इसके अंदर उस सेंसर को डाल देंगे या इस सेंसर को जैसे जैसे गहराई की तरफ मूव करवाना स्टार्ट करेंगे आपको उस पार्ट के प्रेशर का पता चल जाएगा कि आपके पास इस हिस्से का प्रेशर क्या है इन डेप्थ में कितना था अबव कितना था तो क्या कहते हैं कि वी फाइंड डेट द प्रेशर ऑफ द लिक्विड विद द डेप्थ ऑफ द सेंसर कह रहे कि जैसे जैसे हमने डेप्थ में सेंसर को मूव किया तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जो प्रेशर इन द दिक्विड है वो वेरीज करता है चेंज होता है यानी आपके पास जो अबव लिक्विड था वहां पे प्रेशर और था जो नीचे गहराई में पानी मौजूद था जो गहराई में लिक्विड मौजूद था वहां पे आपके पास प्रेशर चेंज था नाउ कंसिडर अ सर्फेस ऑफ एरिया ए इ लिक्विड एंड शोन शेडेड एरिया आपने एक सर्फेस एरिया लेना है जिसको आपने ऑलरेडी ए से मेंशन किया हुआ है नाउ अब क्या होगा कि आपने हाइट भी मेंशन की हुई है लिक्विड की आपने उसका लिक्विड का लेवल भी मेजर करना है आपने प्रेशर भी किया हुआ है कि आपके ऊपर जिस एरिया पे प्रेशर एक्जर्ट हो रहा है वो एरिया आपके पास क्या है ए है और ये आपके पास हाइट दी हुई है और ये तमाम की चीजें आपने मेजर करने के बाद आपने जो रिलेशन फाइंड करना है वो है P is equal to Pgh एच यानी प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी ग्रेविटी एंड हाइट कंसिडर सरफेस एरिया ठीक है आपने सरफेस एरिया कंसिडर कर लिया नाउ अब आपके पास क्या कह सकते हैं कि cylinder अब आपके पास जो mass है mass आपके पास होता है formula आपके पास वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी अब मैस अब वॉल्यूम जो आपके पास होता है वॉल्यूम आपके पास ए क्रॉस एच होगा ठीक है ए इज द एरिया एंड एच इज हाइट और डेंसिटी आपके पास क्या आ जाएगी इस तरीके से सिंबल लिख देंगे अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए क्रॉस एच क्रॉस पी यू कैन से मल्टीप्लाई नेक्स्ट हमारे पास जो होगा वो आ जाएगा कि आपको जैसे पता है कि आपके पास एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू होता है और डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है तो आप मैथ्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ इज इक्वल टू एम जी जी मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स तो मैथ्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा एफ डिवाइडेड बाय जी के आफ्टर पुटिंग इन दिस इक्वेजन हमारे पास एफ बाय जी इज इक्वल टू ए क्रॉस एच क्रॉस डेंसिटी नाउ यू नो डैट कि आपके पास जो एफ होता है वो इसकी इक्वल भी होता है कि प्रेशर आपके पास जो पी होता है प्रेशर होता है वो आपके पास होता है पी इज इक्वल टू एफ बाय ए तो अगर आपने f की वैल्यू पुट करनी है तो सिंपली आप क्या कर देंगे आपके पास क्या हो जाएगा f इज इक्वल टू पी ए हो जाएगा आप यहां पे इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे पी ए डिवाइडेड बाई g इन टू ए क्रॉस एच इन टू क्रॉस डेंसिटी अब हमारे पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइंग g ऑन बोथ साइड्स प्रेशर एरिया इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट Multiply by density, multiply by g. After canceling area with area, we got P is equal to P G H. P is the density, G is the gravity, and H is the height. And this P will indicate the pressure. Now, next is Pascal law. An external force applied on the surface. You know, जो सरफेस uh, है जब आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाइड करते हैं वैन यू अप्लाइड प्रेशर ऑन एनी सर्फेस एनी एट एनी एन एन पॉइंट ऑफ द लिक्विड इनक्लोज इन अ कंटेनर तो आपके पास जो प्रेशर होता है वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है तमाम डायरेक्शन में तमाम पार्ट्स ऑफ लिक्विड में विदाउट लॉस ठीक है यानी वो प्रेशर विदाउट लॉस विदाउट ज़ाया हुए तमाम लिक्विड में फैल जाता है जिस तरीके से आपके पास इसकी एग्जाम्पल दी हुई है कि आपने इसके अंदर पानी भरा है या लिक्विड कोई भी लिक्विड भरा है कलर लिक्विड भर लें कुछ भी भर लें तो आप इसके इर्द गिर्द छोटे छोटे सुराख कर लें बैलून ले लें सिंपल आप अपने घर में इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं कि आप बैलून ले लें पहले बैलून के अंदर पानी भरें बैलून के अंदर पानी भरने के बाद आप उसके साइडों पर छोटे छोटे सुराख कर दें इक्वल डिस्टेंस पे छोटे छोटे सुराख करने हैं और जैसे ही आप बैलून को ऊपर से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि तमाम जो होल्स आपने बनाए हैं बैलून के अंदर उनके अंदर से इक्वली अमाउंट में पानी बाहर निकलेगा ऐसा नहीं है कि एक होल से निकल रहा है एक होल से निकल ही नहीं रहा उसकी रीजन क्या है कि आपके पास जो प्रेशर अप्लाइड होता है किसी भी लिक्विड के अंदर वो तमाम डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट कर जाता है तो ये आपका एक्सपेरिमेंट भी है कि आपने अपने घर में एक्सपेरिमेंट भी करना है आपने बैलून लेना है बैलून के अंदर आपने कोई भी लिक्विड भरना है पानी भरना है उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके मुझे बताना है कि वेदर इट इज ट्रू और रॉन्ग सो एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज द लिक्विड प्रेशर एट द सर्फिस टू द लिक्विड दिस इंक्रीज इन लिक्विड प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली डायरेक्शन से सिंपली ये आपके पास बात को वही बता रहा है बार बार कि जब आप किसी भी लिक्विड के अंदर जिसको आपने किसी भी आ, कंटेनर के अंदर किसी भी सरफेस के अंदर अपने भर के रखा हुआ है जब आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है ऑल डायरेक्शन में ठीक है इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है ऑल डायरेक्शन में ये ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्शन में वो ज्यादा लग रहा है एक डायरेक्शन में कम लग रहा है वो इक्वली ट्रांसमिट होता है ठीक है इक्वली ट्रांसफर हो जाता है इन ऑल डायरेक्शन में इट कैन भी डिमॉन्स्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ द ग्लास जो मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया है वो आपने करना है और उसके बाद आपने मुझे बताना है कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था अवेदर वेदर वाज वॉज सक्सेसफुल और नॉट नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ पास्कल लॉ फाइंड नंबर एप्लीकेशन